शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कबूतर है जिन्होंने मुझे ललकारा और मेरे सामने सर उठाया गद्दारी की मेरे साथ। लेकिन मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की आपके साथ पाशा भाई। मेरा भाई हबीबुल्ला तेरी जेल में है और तूने उसको भागने का मौका दिया नहीं ना, ये गद्दारी है। बाकी सब खैरियत है। तो कैसी खैरियत है पाशा भाई, आपके लोग मुझ पे मिट्टी डाले जा रहे हैं। मैंने तो उसको भगाने की लाख कोशिश की थी लेकिन जेलर रणवीर सिंह ने सख्त पैरा लगा रखा है। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। पाशा भाई आपके चार आदमी मैं पुलिस के पहरेदारों के साथ मिला दूंगा। वर्दी मैं चुरा के ले आऊंगा। और आप दूर से जेलर को गोली से उड़ा देना। उड़ा दूंगा साले को। उसके बाद आपका भाई छूट जाएगा। वालेकुम अस्सलाम लाले दी जान। ओए खोचे, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम? अम्मी कहती है ग्राहक मेहमान होता है और मेहमानों को बादशाह समझकर उनकी खातिर करना चाहिए। ओ बच्चे, ये तो बहुत अच्छा ख्याल। तुम्हारी अम्मी तुमको नेक तरबियत दिया। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बादशाह, ये मेरी अम्मी है। आदाब। तुम हमको भाई बोला, हमको अच्छा लगा। खुदा कसम हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा कोई बहन नहीं है स्वास्थ्य। मेरा भी कोई भाई नहीं है खान भाई। खुदा ये रिश्ता मुबारक करे। आइए अन्न तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्ला भाई। हबीबुल्ला हमको माफ करना भाई, पहचानने में गलती हो गया। क्यों आए हो यहाँ? ने बेटे से मिलना। इस हालत में मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। मेरा बेटा एक ऐसा खाब आंखों में बसाकर सो रहा है जिसमें तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो। उसका खाब मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। जान दे दूंगी लेकिन अपने बेटे पर तुम्हारा मनोसाया तक नहीं पड़ने दूंगी। वो तुम्हारी तरह जानवरों की नहीं इंसानों की जिंदगी जिएगा। जानवर के मुझे जेल में चेक। ओए लानत है तुझ पर शैतान का बच्ची, औरत पे हाथ उठाता है। कौन है ये तेरा यार? हबीस का औलाद आई को बहन का यार बोलता है। आई यार बोलता है। यार बोलता है। तूने मुझ पे हाथ उठाया एक अफसर पे, दो मिनट में अंदर कर दूंगा तुझे मैं। और हो चाहिए खुदा के बंदे को शैतान के अंदर करेगा। चल जा जा जा। चला जाने तो हड्डी गोश्त से अलग कर देगा। देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा तू?
जाओ बहन जाओ, वो अभी तक नहीं आएगा। अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ बहन जाओ। हबीबुल्ला, दुनिया में अभी तक वो फंदा तैयार नहीं हुआ है जो पाशा भाई के होते हुए इस हबीबुल्ला की गर्दन तक पहुंच सके। इस पिंजरे के साथ वो मुझे उड़ा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। पाशा नाम है उसका, पाशा। अरे ओ पाशा, तौबा, जैसा खौफनाक भयानक मालिक वैसा ही उसका इलाका, नाम भी सही रखा है कब्रिस्तान। अरे ओ पाशा, वो कबूतर है जिन्होंने मुझे ललकारा और मेरे सामने सर उठाया, मेरे सामने सर उठाया। गद्दारी की मेरे साथ, गद्दारी की मेरे साथ। लेकिन मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की आपके साथ पाशा भाई। मेरा भाई हबीबुल्ला तेरी जेल में है और तूने उसको भागने का मौका दिया, नहीं ना, ये गद्दारी है। बाकी बाकी सब खैरियत है। वो कैसी खैरियत है पाशा भाई, आपके लोग मुझ पे मिट्टी डाले जा रहे हैं। मैंने तो उसको भगाने की लाख कोशिश की थी लेकिन जेलर रणवीर सिंह ने सख्त पहरा लगा रखा है। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। पाशा भाई, आपके चार आदमी, मैं पुलिस के पहरेदारों के साथ मिला दूंगा। वर्दी मैं चुरा के ले आऊंगा। और आप दूर से जेलर को गोली से उड़ा देना। उड़ा दूंगा साले को। उसके बाद आपका भाई छूट जाएगा। नसीब से लड़ाई मत करो खान भाई, भूल जाओ हबीबुल्ला को और अपने वतन वापस चले जाओ। ओ सलमा बहन, कमान से निकला हुआ तीर, आसमान से टूटा हुआ तारा और मर्द की जबान से निकला हुआ कौल कभी वापस नहीं होता। बादशाह, हबीबुल्ला मिल गया, ये देखो वो यहाँ के जेल में है। ओए बच्चे, तुम हमको हबीबुल्ला ला कर दिया, बहुत बड़ा एहसान किया तुम बच्चे पर। पठान तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा बच्चे। बादशाह खान काबुल से आया है। क्या चाहिए तुम्हें? हबीबुल्ला का सर। रणवीर सिंह की जेल है,
तुम्हारे काबुल का कोई पिंजरा नहीं जिसमें से तीतर या बटेर निकाल कर तुम्हें दे दो, समझे? ओए हबीस का बच्चा, क्यों फिजूल का बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं हमको। और मैं भी राजपूत हूं खान, ये आदत मुझमें भी नहीं है। ओचे, राजपूत तो मर्द का बच्चा होती, मर्द का माफिक बात करो, बाहर निकालो उस नामर्द को, हमको उसका सर चाहिए। हबीबुल्ला कोई बुजकशी का बकरा नहीं है जिसे तुम अपनी तलवार की नोक पर उठाकर यहां से ले जाओगे, समझे? यहां का हर कैदी मेरी जिम्मेदारी है, जो सजा पूरी करके यहां से बाहर जाता है या मर के। हबीबुल्ला तुम्हारा कानून का मुजरिम होने से पहले हमारा कौम का मुजरिम है, हमारा मुल्क का दुश्मन है, सजा उसे हमारा मुल्क का कानून देगा, तलवार देगा, समझा? बादशाह खान, हबीबुल्ला को सजा मिल चुकी है, कल सूरज निकलने से पहले उसे फांसी होने वाली है, सरे बाजार चौराहे पर। तो फिर खुदा पाक का कसम राजपूत खान, या तो ये पठानों से वापस लेकर जाएगा या फिर कल सूरज भी निकलेगा। खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। बादशाह भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। ओए होचे, जिंदगी मौत से हाथ मिलाना चाहती है? मौत, मौत तो बहुत पीछे रह गई, सामने भी वही है कमीने। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसाफ। कैसा इंसाफ? बेनजीर के बाप की पीठ में खंजर उतार कर जो तूने दो कबीलों को दुश्मन बनाया, मैं उनको दोस्त बनाने जा रहा हूं, तेरी गर्दन काट कर। ए, फिकर मत कर हबीब, फिकर मत कर। ए पठान, अरे क्यों मारना चाहता है इसको? भैया ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मुझे मारकर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। अबे चुप, उड़ा दे भैया, उड़ा दे। ए बंदूक नीचे। ये पठान तो दोस्त है अपना, बिरादर है। अरे पठान, कौन है तू भाई? तुम कौन? ओए ताबेदार है खान साहेब, ताबेदार है। और नाम छोटा सा है, छोटा सा नाम, पाशा, पाशा। अगर काम बहुत खतरनाक करता है, बाकी सब खैरियत है भाई। ओ कमीज, ये मेरा शिकार है, इसको पूछे वरना। अरे वरना क्या? वरना एक नहीं दो सर काटने पड़ेगा मुझे। ए पठान, अपने सर की खैर मना, अरे पीठ दिखाकर ताबेदार हो जा, वरना तेरा सर काबुल जरूर जाएगा।
खबीस का बच्चा। सर बहुत बोलता था तुम, अभी बोलो बोलो। शुक्रिया राजपूत खान, वक्त पर आकर तुम हमारा जान बचाया। तुम्हारा यह एहसान हम पर कर्ज रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये क्या? हथकड़े, तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। ओए ललित जान, खुद ही जान बचाता है, फिर खुद ही हथकड़ी पहनाना चाहता है। जान बचाना इंसानियत थी बादशाह खान, हथकड़ी पहनाना फर्ज। कैसा फर्ज? हमारे मुल्क के कानून की नजर में तुमने जुर्म किया है। पर क्या कानून है? तुम्हारा कानून तो इसको फांसी देने वाला था, इसको तो मरना ही था। तुम नहीं मारा, हम मार दिया, बात बराबर। यही तुम्हारा जुर्म है। राजपूत खान, इसका लाश तो हम काबुल लेकर जाएगा, हमको कोई नहीं रोक सकता। पठान, तुम्हारे सामने एक राजपूत खड़ा है।
और जान की बाजी लगाना वो भी जानता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छे हम इजाजत नहीं मांगा, ओए अपना फैसला सुनाया। तो फिर मैंने भी फर्ज का फैसला सुना दिया है। फर्ज और कर्ज की टक्कर ना हो तो अच्छा है। देखो राजपूत खान, इस गद्दार की वजह से हमारा दो कबीलों में बहुत झगड़ा है। ओए ये खूनी है, इसने बेनजीर के बाप को मारकर हमारे दो कबीलों में बहुत दुश्मनी पैदा कर दिया। बेनजीर? कौन बेनजीर? वो जो बादशाह के दिल का हिस्सा बन चुकी है। इसकी लाश हम बेनजीर के कदमों में डालेगा तो वो बादशाह को कबूल करेगी, ऐसा उसका दावा था। नहीं बादशाह, नहीं, मेरा फर्ज तुम्हें ऐसा करने से रोकता है। देखो राजपूत खान, तुम बात समझने का कोशिश करो। हम वापस जाएगा तो दो कबीलों में सुलह होगा, अमन होगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। हम बेनजीर से निकाह कर सकेगा। देखो राजपूत खान, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी हमको जाने दो। 30 दिन के अंदर हम खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा नफास पूरा कर लेना। ये पठान का जबान है, पठान का जबान। ठीक है, जाओ बादशाह, जाओ तुम। लेकिन याद रखो, राजपूत ने एक पठान पर भरोसा किया है। आज से बराबर 30 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी।